स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद हिस्ट्री में। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सीटेट की मैं आंसर की इस पूरी वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इसके बाद, क्योंकि सबसे पहले मैं यहाँ पे एनवायरमेंट डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैथ्स और पूरे जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे उसको मैं पूरे इसमें डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपको एनवायरमेंट को। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, वहां पे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एग्जैक्ट बिना एक क्वेश्चन गलत हुए सारे पूरी आंसर की मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एनवायरनमेंट को शुरू करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं आप 75 से आप सबका क्वेश्चन, मतलब जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे इसमें दे रखा है शहर या राज्य अत्यधिक पसंद करने वाले भोजन, तो ठीक है। तो हांगकांग के बारे में आप जानते हैं कि पकाया हुआ सांप खाया जाता है, ठीक है। तो पहले ए का वी हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं गोवा में जो है वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है। तो इसका ऑप्शन क्या है, कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे कर सकती है, तो ये आपका उल्लू है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इन सब में से आपको डिफरेंट बताना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौवा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो जा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको फ्रेंड। इसमें हम पूरी एग्जैक्ट आंसर की पूरी डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है इसको देने में, लेकिन कोशिश मैं कर रहा था कि पूरी करेक्ट आंसर की निकालूं। देखिए नेक्स्ट है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां खा और झाड़ियां खा। देखिए फ्रेंड्स, ये 200 kg नहीं होना चाहिए, 100 kg होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन सही आपका गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, ये बिल्कुल सही है। किसी हाथियों को झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी है, सभी फैसले लेते हैं। तो इसका आंसर CDA हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर सही होगा, CDA मतलब ACD, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, घरों के नीचे दिए गए विवरण के बारे में बताना है, तो ये देखिए राजस्थान वाले में है, तो ये इसका आंसर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। कौन सा, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में छतें कटीली झाड़ियों की होती है, बिल्कुल सही है। और मनाली वाले में ये घर भाँस ही केवल नहीं होता, मिट्टी उट्टी के सबके बने होते घर। तो बी वाला गलत हो जाएगा, सी मतलब ए और सी आंसर हो जाएगा इसका सही, आंसर बी इसका सही हो जाएगा, ए एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा अंतर्राष्ट्रीय ख्यात पर वेट लिफ्टर है, तो बछेंद्री पाल वगैरह के बारे में जानते ही होंगे आप, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, सुनीता विलियम्स, ये ऑप्शन नहीं होगा, करडम मलेश्वरी इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करडम मलेश्वरी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका दे रखा है इसमें कि कौन सा एक समूह जड़ों का है, तो ये आसानी से क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, गाजर, चुकंदर और मूली, गाजर, चुकंदर और मूली, तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो ये आपको मैं कई सारे वीडियो में दे रखा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं आपका जो है, आगे क्वेश्चन बता देते हैं, ये मैथ वाले क्वेश्चन में मैं करवा दूंगा अभी जस्ट, इसके बाद वीडियो वो पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है, तो उसके बाद वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी वो वीडियो आपको मिल पाएगी। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी दांडी से समुद्र तट अपनी यात्रा की थी, तो वो भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात में, आई होप कि आप सब जानते भी होंगे। नेक्स्ट है आपका, सिनकोना की छाल से, देखिए चिकनगुनिया बहुत सारे लोग बताते हैं मलेरिया, तो मलेरिया में ही सिनकोना की छाल वगैरह यूज की जाती है, तो मलेरिया आप आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, नेपेंथिस के बारे में कहा गया है, तो जो नेपेंथिस है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में, बिल्कुल सही है। घड़े के आकार के जैसा होता है, यह भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो देखिए इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ABC तीनों लगता है, क्योंकि यह आवाज वगैरह नहीं निकालता, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, तो ABC तीनों आंसर इसका सही हो जाएगा, हाँ ABC सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चिराओ, तो चिराओ आपका मिजोरम में है, मिजोरम में डांस होता है, ये वहाँ का फोक डांस है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य में, तो तमिलनाडु को जो निकटवर्ती राज्य है, अगर मैप के अकॉर्डिंग देखो तो आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक है, यही तीन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका NCF 2005 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। इसमें पूछा है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना था, क्योंकि इसमें कई सारे लोगों ने आगे पीछे आंसर किया है, तो ये नहीं पूछा गया
गया था तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी डॉक्टर एक्स का घर, ये पूरा आप एनालिसिस करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ये बगल में इनका मैप भी बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये थे फ्रेंड्स ये वाले, तो आगे क्वेश्चन जितने भी है मैं फटाफट अभी इसके बाद वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो इसके बाद मैं इन्वायरमेंट का वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सॉरी इन्वायरमेंट का हो गया है। अब जो मैथ्स का है और सारे आपके पेडोलॉजी हो गए, बाल विकास वाला ही हो गए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू बने रहे हमारे चैनल पे, धन्यवाद।